आवाम दुश्मन कप्तान हुकूमत के पेट्रोल हमलों से तंग पाकिस्तानी आवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि मार्च के आखिर तक ताज़ा दूध की कीमत में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। पहली किस्त के तौर पर 25 फरवरी को दूध की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाएगा, जबकि दूसरी किस्त में 25 मार्च को इसकी कीमत मजीद 30 रुपये बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने आवाम को दो मराहिल में ताज़ा दूध की कीमत में 60 रुपये फ़ी लीटर के मुमकिन इजाफे बारे आगाह कर दिया है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर का कहना है कि मार्च के आखिर तक ताज़ा दूध की कीमत में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा इसलिए नागुजीर है कि हुकूमत ने दूध से तैयार मसनूआत पर 17% जनरल सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया है, जिससे इसकी पैदावारी लागत में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में ताज़ा दूध की कीमत में 25 फरवरी को 30 रुपये फ़ी लीटर और फिर एक महीने बाद 25 मार्च को मजीद 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का मंसूबा बनाया गया है। ताहम उन्होंने बताया कि इस बारे हतमी फैसला 19 फरवरी को तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल खुर्दा फरोशों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में महंगाई का 70% से ज्यादा दारोमदार पेट्रोल की कीमतों पर होता है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो जाती है। कुछ ऐसा ही अब दूध के हवाले से भी होने जा रहा है, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर पेट्रोल सस्ता होने पर इन अशिया की कीमतों में कभी भी कमी नहीं की जाती और ना ही हुकूमत ऐसा करवाने के लिए कोई इकदाम करती है। आवाम दुश्मन कप्तान हुकूमत की जानिब से 15 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर ने आवाम के बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। ताहम वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो फिर हमें भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ती हैं। उनका कहना था कि वरना आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान के लिए अपना दरामदी बिल पूरा करना मुश्किल हो जाता है। फवाद चौधरी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद खोखर का कहना है कि पाकिस्तान को खदशा है कि पैदावारी लागत में गैर मामूली इजाफे के सबब ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर होगा। उनका कहना है कि खाद की कीमत पहले ही किसानों की पहुंच से बाहर है, अब हालिया इजाफा खुराक और बागवानी की मुख्तलिफ अशिया की पैदावार को मजीद मुतासिर करेगा। लाहौर में एक मशहूर ब्रांड के ऑपरेशंस की देखभाल करने वाले राना उबैदुल्लाह का कहना है कि गंदम की कीमतें पिछले 3 बरसों से मुसलसल बढ़ रही थी और अब मजीद बढ़ेंगी। लाहौर के इतराफ में 250 किलोमीटर तक 300 थैले ले जाने वाली एक छोटी गाड़ी की साल सन 2020 में कीमत 45,000 रुपये थी, सन 2021 में यह कीमत 22% बढ़कर 54,000 रुपये हो गई और अब 60,000 रुपये तक पहुंच गई है। इनके मुताबिक गंदम की कीमत इस वक्त कम है और असरात लोगों को फौरी तौर पर महसूस नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमत पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के इफ्तिखार अहमद का कहना है कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से नकलो हमल भी महंगी होगी, जिसके सबब मुख्तलिफ अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा। दूसरे सूबों और ममालिक से आने वाली सब्जियों और फलों की नकलो हमल के अखराजात में कई गुना इजाफा होगा। मुसाफिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अभी से महसूस करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से दूसरे शहर जाने के लिए किरायों में इजाफा कर दिया है। कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के सरप्रस्ते आला अनीस मजीद कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने बंदरगाह से हैदराबाद तक 20 फीट कंटेनर्स लाने के लिए 1,000 रुपये इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं, जबकि कराची तक के लिए 700 से 500 रुपये तक का इजाफा किया गया है। फलाही अंजुमन होलसेल सब्जी मंडी सुपर हाईवे के सदर हाजी शाहजहां ने आने वाले दिनों में शहर में सब्जियों के निरखों में कम अज़ कम 15 से 20% इजाफे का इम्कान जाहिर किया है, क्योंकि सिंध पंजाब और बलोचिस्तान से आने वाली अजनास पर ही कराची का इन्हिसार है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।